हेलो फ्रेंड, आशा कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। तो चलती हूँ, ना देरी करती हूँ। ये मैंने बेसन लिया एक कटोरी, बिल्कुल बारीक वाला छान के लिया है मैंने। तो ये देखना, ये बिल्कुल बारीक वाला ले रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। तो ये एक बाउल भी ले लिया है। तो इसमें बाउल में सारा ये नाप के ही डाल रही हूँ। एक कटोरी ही चाहिए मुझको बेसन। वज़न में देखा जाए तो ये 100 ग्राम बेसन है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे हमने कुटी हुई मिर्च डाली है, और ये डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है, बेसन बहुत ही इजीली हजम करता है, बहुत ही अच्छा होता है हजमे के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और ये स्वाद अनुसार नमक डाला है। और ये थोड़ी ये मैंने डाली है तीखी वाली मिर्च, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मैश कर लेती हूँ। तो थोड़ा पानी थोड़ा डाल करके यूँ चलाते रहना है, ताकि हमारी ये गुलथियाँ ना पड़े और इजली हमारा बेटर बहुत ही अच्छा बने। तो चम्मच की मदद से या चिमची की मदद से, किसी की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये गुलथियाँ बिल्कुल ना रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा ही चाहिए बेटर। ये देखिए बिल्कुल ही, इसमें भी थोड़ा सा पानी और जाएगा। ये देखिए ऐसा ही चाहिए मुझको। अब इसको ढक के रख रही हूँ 20 मिनट के लिए, जब तक ये तावा हमारा गर्म हो रहा है। और इस थोड़ा सा ऑयल लगा करके तावे में, और चलती हूँ इसको बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बेटर डाल करके इसको राउंड घुमाना है। ये देखिए, तो ये बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बनता है। बेसन की तो कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल ही विटामिन से भरपूर होती है, और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है। तो बेसन का तो आप किसी प्रकार के, बहुत ही प्रकार के सामान बन सकते हैं, यानी नाश्ते। तो थोड़ा ये बेटर लेकर के मैंने फैला दिया, थोड़ा बच भी गया है। पर छोटे छोटे ही मिनी ही बनाने हैं। थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, आपको जो सब्ज़ी और अच्छी लगे तो वो भी, थोड़े बहुत टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो एक कलछे की मदद से थोड़ा सा तेल डालना है आधी टीस्पून, और इसको दबा देना है प्याज को अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ये तेल डालूं, ताकि हमारा ये अच्छी तरीके से चारों तरफ ये नाश्ता हमारा पक जाए इजली। देखने में इतना सुंदर लग रहा है, वाह, बहुत ही परफेक्ट ये बन के तैयार हुआ है, जालीदार। तो इसको निकाल लेती हूँ। इसी प्रकार से मुझको सारे रोल बनाने हैं। ये नज़दीक से दिखा रही हूँ कितना जालीदार बना हुआ है। इसी प्रकार से मुझको सारे बना लिए हैं मैंने। और ये देखिए कितने प्यारे रोल देखने में लग रहे हैं। तो चिल्ला कहें या रोल कहें, सेम बात तो अलग अलग भी हो सकती है, और चीज़ तो एक ही है। देखिए कितने टेस्टी, कितने दबंग बने हुए हैं।